हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कनवारिया क्लासेस बाय राजेश में, जिसे आप केसीआर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का इन तीन वीडियो का आज ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और चार वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली आपको बता देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो चार क्यों बनाए जा रहे हैं ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी बनती जा रही हैं और इतना आसान भी नहीं है सबको एक साथ पढ़ाना। कई बोल रहे सर एक वीडियो में पढ़ा दो, तो सर एक एक वीडियो में पढ़ाना आप भी देख पा रहे हो कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी एक एक वीडियो भी 15-15, 20-20 मिनट के होते जा रहे हैं, जो ये मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट जो सिंबल है उनके साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल, और उसके अलावा जो उनके प्रोनाउंसिएशन पैलेस क्या होते हैं वो। इससे पहले वाले जो पहला ही पहला वीडियो था उसमें हमने इनके ये जो साउंड्स हैं उनके बारे में जाना, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटी होती है। दूसरा वाला जो वीडियो था उसमें हमने इनके ऑर्गेन ऑफ स्पीच को देखा कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कौन कौन सी जगह से, कौन कौन सी जगह से साउंड बोलने वाली जगह जो है वो कौन कौन सी है। तो ये वाला सेकंड वीडियो था जो कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की रीड के डी कहा जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि मेन वीडियो यही था, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं और इनके ही अधिक नंबर मिलेंगे और इनसे ही जुड़े हुए क्वेश्चन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के होते हैं और इन्हीं को याद करने के बाद में आप आसानी से उन्हें याद कर सकते हो। अगर ये आपको पता नहीं कि ये कौन कौन सी जगह से उत्पन्न होते हैं तो आपको रटना पड़ेगा, फिर तो वैसे याद नहीं होगा, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। आज हमें देखना है कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल और उनके प्रोनाउंसिएशन पैलेस, तो कोशिश करेंगे जल्दी करें हम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 24 साउंड होते हैं। उसको दो भागों में बांटा था हमने, वॉइसलेस और वॉइस। अब ये कौन कौन से हैं, वॉइसलेस कौन कौन से हैं, वॉइसलेस होते हैं 9 और बाकी जो बच गए वो होते हैं वॉइस्ड साउंड। अब वॉइस्ड साउंड जो होते हैं उनमें और वॉइसलेस में अंतर क्या है। वॉइसलेस में जो आवाज़ होती है या जो ध्वनि होती है वो गले में से सीधी की सीधी निकल जाती है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे तो वो टकराती नहीं है, किसी प्रकार का टकराव नहीं होता आवाज़ में और सीधी निकल जाती है, इसलिए इसे वॉइसलेस बोलते हैं। वॉइस्ड वाली है ना, ये घर्षण करती जाती है, संघर्ष होता रहता है, उसके बाद में ये बाहर निकलती है। जो बिना टकराए निकले उसे वॉइसलेस कहते हैं और जो टकरा के निकले उसे वॉइस्ड साउंड कहते हैं। वॉइस्ड साउंड 16 होते हैं, ये जो वॉइस्ड साउंड जो होते हैं वो ये 9 तो होते हैं वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड कितने होते हैं 15, और टोटल अगर देखे जाए तो वॉइस साउंड होंगे 35, क्योंकि जो वॉइस होते हैं ना, वॉइस वाले जो साउंड होते हैं, ये वोवल वाले जो साउंड होते हैं वो पूरे के पूरे ही वॉइस्ड साउंड ही होते हैं। तो वोवल कितने होते हैं 20 होते हैं, वोवल में ये जो वॉइस्ड साउंड है 15, वो मिला लिए जाए तो कितने हो गए 35 हो गए। तो 35 वॉइस्ड साउंड होते हैं। अभी हमें देखना है वो वॉइसलेस साउंड कौन कौन से हैं। तो वॉइसलेस साउंड है, ये देखते रहिए आप, पहले हम वॉइसलेस साउंड को देख लेते हैं उसके बाद में हम वॉइस्ड साउंड को देखेंगे। ये देखिए ये वाला, हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, पै जो साउंड है वो देख लेते, पेन, होपिंग, जंप, पैकी दुनिया आ रही। अब इसको देखते हैं, टेबल, लिटिल वास्ट। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये WATCHED है, तो सर ने वास्ट क्यों नहीं बोला, ड क्यों नहीं लगाया, ट क्यों लगाया यहाँ पे, ये ट इसलिए होता है, उसका रीजन मैं आपको बस कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं, ये है च, तो ये जो सिंबल होता है उसका च बनता है, ये आपको पहले से, उम्मीद करता हूँ आपको पहले से पता होने चाहिए कि सिंबल क्या रहेगा। तो च, चिप्स, इच, पिक्चर। इसके बाद में देखते हैं ये जो नीले वाले हैं, ये आसमानी कलर है जिनका है, वो सारे तो कौन से हैं, वो सारे के सारे हैं वॉइस्ड साउंड है। और ये जो बच गए, ये वाले और इधर और हैं, तो वो क्या है, वो वॉइसलेस साउंड है जो 9 है। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच गए हम, चाय वाला हो गया। अब क वाला देखिए, की, कार, लक। ठीक है, ये क हो गया।
फिर इधर आ जाइए, फायर, फ, लाफ, फोन, ये एफ हो गया। ये वाला देखिए, ये वाला साउंड द का साउंड देता है, ठीटा, ठीटा जिसे हम बोलते हैं, तो ये द, सॉरी द का नहीं, ये वो ये देता है थ का साउंड। ठीटा किसका साउंड देता है? थ का साउंड देता है। तो थिक, हेल्थी, टिथ, थका आ रहा साउंड। अब आगे देखते हैं, श, ये वाला देख लेते हैं, शी, शिटी, नोटिस। अब ये वाला देख लेते हैं, ये श का हो ही गया था। अब ये देखते हैं, ये है, ठीक है, ये वाला जो इसका सिंबल है ये है, तो श, शॉप, नेशन और स्पेशल, स्पेशल। ओके जी, अभी हम एक और बच गया वो देख लेते हैं, ये है ये वाला, ये हाउस, हंगरी, हु। तो ये जो साउंड है वो है वॉइसलेस साउंड। वॉइसलेस साउंड हमने देखे, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अन्य चीज़ों में भी काम आएंगे। तो याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, याद करने की ट्रिक है, सच, पटक, सच, पटक, फसत, थे है ना, फसत है, सच पटक फसत है, यानी जो सच पटक देता है वो फसता है, सच पटक फसत है। ये आप याद कर लीजिए, सैसे हो जाएगा एस, चैसे हो जाएगा चै, जो सी एच वाला होता है उसको हम ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, और पैसे पी, टैसे टी, और कैसे के, फैसे एफ, इस वाले से ये वाला निशान जो सैका होता है, थैसे ये ठीठा वाला निशान, और हैसे एच वाला, ठीक है। तो ये सच पटक फसत है, ये इसको याद करने की ट्रिक है, याद कर लीजिए आप। ये वाले साउंड क्या है? वॉइसलेस साउंड है। ओके जी, अब हम देखते हैं जो वर्स्ट साउंड है वो कितने हैं, वो 15 है, तो वो देख लेते हैं, ब, बाल, हबी, ये हॉबी, हब, ठीक है, ये इसका हो गया। फिर डी वाला देख लेते हैं, डी का ये ड जो इसका है, डॉग, एडिड, प्लेड। ओके जी, फिर ये वाला देख लेते हैं, जय वाला, ये जय को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, तो जैम, डेंजर, फजर, तो फज, हाँ। तो ये जो जय है वो इसमें हल्का बोला जाता है, इसमें कोई संघर्ष नहीं होता उतना, ठीक है, स्पर्श संघर्ष होता है लेकिन उतना नहीं होता है। इसमें अपने जो जीभ का अगला भाग है वो ऊपर तलवे तलवे की ओर जाता है, जो अपना तालु है ना उसकी तरफ जाता है। इसमें ये ध्यान से सुनना क्योंकि आगे ये काम आएगा अभी थोड़ी देर में। ये तलु जो तालु अपना है उसका, उस जो अपनी जीभ है उसका अगला भाग तिथरिज के पास जाने के बाद में, जो बसुड़े हैं उनके पास जाने के बाद में, पीछे की ओर तालु की ओर भी जाता है इसमें। और इन बाकी इन एक तो ये भी जय का साउंड देता है, ये जय का साउंड देता है, ये जेड वाला ये भी जय का साउंड देता है, और एक ये जो है ये भी जय का साउंड देता है। तो इनमें, इन दोनों में से अंतर ही इसका यही है कि इसमें जो अपनी जीभ है वो पीछे की तरफ जाती है। कैसे जाती है? पीछे की तरफ जाती है, पहले ये जो मसूड़े हैं उनके पास से होकर के पीछे की तरफ उड़ जाती है, ये इसमें अंतर है। और चलो इनको दोनों एक साथ देख लेते तीनों को, तो जैम, डेंजर, फज। ओके, अब ये वाला देखते हैं, इसका एक तो सीधा सा बात यह है, इसको तो ये जो जंजीर वाला होता है ना वो इसको रिप्रेजेंट करता है, मेन चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा आप बोल के देखिए, इसमें रुकते हैं थोड़ा सा, जब बोलते हैं ना तो रुकते हैं, जेब्रा, जेब्रा, थोड़ी हल्की रुकावट होती है, जय, जय। फिर कोजी, कोजी, तो यहाँ पे क्या होता है, अपना जो मुंह का भाग ना वो रुक जाता है, पाछे सकड़ा होने लगता है और वायु घर्षण करती हुई रहती है। इसमें, इसमें और इस वाले में दोनों में घर्षण होगा, और इसमें घर्षण कम होगा, ये वैसे टकराएगी लेकिन घर्षण इसमें कम होगा, इन दोनों में बहुत ज़्यादा घर्षण होगा, ठीक है। तो जेब्रा, घर्षण हुआ और रुकावट भी हुई, तो घर्षण होगा तो रुकावट होगी, तो इन दोनों में रुकावट होती है। इसमें टेलीविजन, टेलीविजन, जय पे रुक गए, विजुअल रुके, लिजू रुके, तो ऐसे कोजी,
इस वाले में, इन दोनों में तो रुकते हैं और इसमें रुकते नहीं है, रुकावट नहीं होती है, सीधा बोला जाता है। और बस इसमें अंतर यही है कि जो अपनी जीभ है वो तिथरिद से टकराने के बाद में ये किधर जाती है, पीछे की तरफ, तलवे जो तालू है ना उसकी तरफ थोड़ा सा जाती है। आप बोल के देखिए, जय जैम जैम मूर्ति जीभ, ठीक है। आप दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और आगे हम इसके बारे में और पढ़ लेंगे। अब देखते हैं वीडियो वाला, देख ले ये ग्रीन वाला देखते हैं। जय गय वाला ग्रीन, हग लीग, वह वाला देखते हैं वी वाला, ये वीडियो मूव ओ। अब देखिए ओ एफ, ये जो ये है इसको ऑफ नहीं बोला जाता, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है, वह बोला जाता है आपको, ओ वह, ठीक है। तो ये वह रहेगा। आगे चल लें, ये वाला देख लेते हैं। ये जो निशान है वो द को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मदर, दिस, विद, फिर यहाँ पे आइए, ये हमने देख ली। यहाँ पे जोर लगता है थोड़ा, जेब्रा, कोजी, रुकावट आती है ना, हैज हैज, और घर्षण ज़्यादा होता है, इन दोनों में घर्षण होता है ना। यहाँ पे टेलीविज़न वाले, टेलीविज़न, विजुअल, लेजर। आगे चले एम वाले में चलिए, मैन, टम्मी, लैम्प। एन वाले में चलिए, नए वाले में नो, फनी, नाइफ। अब ये जो निशान होता है ये ऊपर बिंदु लगती है उसका देख लेते हैं, सिंग, अंकल, एंग्री, ठीक है, ये इसका निशान हो गया। अब ये वाले देख लेते हैं, ये को ये कैसे बनता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला, ठीक है। ये जय जो होता है वो ये को रिप्रेजेंट करता है। तो यस यस, अनियन, व्यू। एल वाले देख लीजिए, लाइट, स्मेली, फील, ले आ रहा है इसमें, राइट, बेरी, रॉन्ग, रे का प्रनंस, विन का प्रनंस देख लेते हैं, डब्ल्यू का, वे का, वह बनता है इसे, विन, वेर, वन, इसे सेमी वोवल भी कहा जाता है डब्ल्यू को। एच वाला हमने देख लिया, ये उसमें आता है सेमी वॉइस लेस में आता है। तो अब इनको जानते हैं, इनके जो उच्चारण स्थान है उनको हम देखेंगे और आपको वहाँ पे पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो 12:48 का तो हो गया लगभग, अभी इधर आइए। अभी इसमें जो मैंने ये बनाई है सारणी, उसमें एक तरफ तो यहाँ पे पैलेस है, ये पैलेस है, ये बिलेबियल है, बिलेबियल जो होठों से बोला जाता है, लेबियो डेंटल, लेबियो का मतलब यहाँ पे होठ हो जाता है और डेंटल का मतलब दांत हो जाते हैं, तो दांत और होठों से बोला जाता है। और एलोलर, इसको जो टिथ रिज होती है उसे एलोलर कहते हैं। टिथ रिज क्या होती है वो मैंने आपको बताया था, देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, ये टिथ रिज होती है, ये वाला भाग जो है ना, ये बीच में ये जो दांत के ऊपर सी है उसे कहते हैं टिथरिज, ये। चलिए 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 चलिए, अब टिथरिज हमने देख लिया, ये एलवोलर देख लिया, एलवोलर को टिथरिज कहते हैं, है ना। पोस्ट एलवोलर क्या होता है, जो टिथरिज के बाद में जो भाग होता है ना उसको पोस्ट एलवोलर कहते हैं। ये प्लेटो एलवोलर क्या होता है, जो प्लेट जिसे तालू बोलते हैं, तालू के ये जो एलवोलर है वो तालू और एलवोलर से मिलके बनता है। एलवोलर क्या है, तिथरिज और तालू, इनसे मिलके ये बनता है। चलिए प्लेटल क्या है, प्लेटल तालू को बोलते हैं, अब केवल तालू आता है इसमें। वेलर क्या होता है, वेलर होता है कंठ होता है, तो कंठ से जो जिनकी ध्वनि निकलती है वो वेलर में आते हैं। और आगे हम देखते हैं ये डेंटल, डेंटल में दांत आते हैं केवल। और ग्लोटल, ग्लोटल में क्या आता है, इसमें ग्लोटिस आता है, जो नीचे वाला भाग होता है ना जहाँ से ये आवाज़ निकलती है, प्रोड्यूस होती है, वाक तंतु जिसे बोलते हैं, वो वाला हिस्सा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसके बारे में कौन कौन से, इधर देखते हैं। अब एक तरफ तो मैंने मेनर बता रखा है, मेनर में क्या है कि इस दिशा में ये है, ये जो ये एरिया है उसमें तो वी एल का मतलब है, वी का मतलब वॉइस, एल का मतलब लेस, तो वॉइस लेस इधर वाले तो है वॉइस लेस,
सारे, ये वॉइस लेस है, ये वॉइस लेस है, ये वॉइस लेस, ये वॉइस लेस है, ये वॉइस लेस है, और इधर वाले वीडी, वीडी का मतलब क्या हुआ, वॉइस्ड साउंड है, तो ये वॉइस्ड साउंड है, ये वाले वॉइस्ड साउंड है, इधर इस साइड में ये वॉइस्ड साउंड है, ये वॉइस्ड साउंड है, समझ गए आप। ओके जी, प्लोसिव, प्लोसिव का मतलब होता है जो आवाज़ एक साथ निकले, तूफान के जैसे निकले, जल्दी से निकले, तो उसे प्लोसिव करते हैं। अफ्रिकेट होता है स्पर्श और संघर्षी होकर जो निकले, उसे अफ्रिकेट कहते हैं, स्पर्श होने के बाद में संघर्षी हो। एक नेजल है जो नाक से निकलती है ध्वनि, उसे नेजल बोलते हैं। लेटरल, लेटरल है उच्चारण के बीच में अवरोध होने पर जो वायु जीभ, जीभ के साइड से निकलती है ना, उच्चारण होता है और बीच में ही अवरोध हो जाता है, तो वायु जीभ के साइड से निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं। जैसे आप एल को बोल के देखिए, ल ल, जीभ ऊपर टच हो जाती है और बिल्कुल जगह नहीं बचती आगे से, फिर जीभ के दोनों तरफ से ये वायु निकलती है, बोल के ल ल ल, दोनों तरफ से निकलती है, आप बोल के प्रैक्टिस करिए। ये फ्रिकेट है, फ्रिकेटिव, फ्रिकेटिव क्या होता है, इसमें इसमें संघर्ष होता है, बहुत संघर्ष होता है, इसमें आवाज़ आती है संघर्ष की, तो उसे बोलते हैं फ्रिकेटिव। फ वह, वह देखो ये गले में संघर्ष, ये आवाज़ आ रही है, घर्षण की आवाज़ आ रही है, घर्षण होते हैं इसमें। श ज, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम आगे अब देखते हैं, पहले हम शुरुआत ही कर देते हैं। अब चलिए पहले देखते हैं ये वाला पी और बी। पी जो है वो है बिलेवियल प्लोसिव, बिलेवियल है और प्लोसिव है, यानी कि इसको हम दांत, ये जो नीचे के जो होठ है उसके, ये जो और अपने होठ है ना उनके द्वारा जिसको बोलते हैं ना, वो होते हैं बिलेवियल। अब इसमें जो पी है वो तो वॉइस, वॉइस लेस है, ये देखिए, और बी क्या है, वॉइस्ड साउंड है, तो पी की ध्वनि देखिए, प प, अपने होठ खुलते हैं बोलते ही, प होठ बंद होते हैं, और फिर प्लोसिव, प्लोसिव का मतलब क्या होता है, जोर से संघर्ष के साथ गति के साथ निकलते, एकदम से निकलते, प प ब ट, ये वाले जो एरिया है ना वो पूरा प्लोसिव है, प ब ट ड, तो होठ अपने बंद होते हैं फिर एकदम से निकलता है, तो ये पी और बी होते हैं जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं। ओके जी, ये अपना हो गया प्लोसिव वाला, अब आगे चलते हैं, प्लोसिव में चले है ना, या ब्लेबियल वाले में देख ले पहले, चलिए इधर आ जाते हैं ब्लेबियल वाले में और देख लेते हैं। एम आ रहा है, एम नहीं, वैसे चलेंगे हम इधर से, अब प्लोसिव वाला देख लिया हमने, अब इधर चलिए, ये टी और डी, ये क्या है, एल्वोलर है, टी और डी क्या है, एल्वोलर है, तो एल्वोलर में क्या होता है, एक मिनट इसको नीचे कर ले, हाँ एल्वोलर में क्या होता है कि जो ध्वनि होती है ना वो तितरिज, जो अपने मसूड़े है उसके जस्ट पास से ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ पे अपनी जीभ टकराती है, मसूड़ों के पास में अपनी जीभ टकराती है, यानी जीभ का जो अगला भाग है ना जिसे हम टिप बोलते हैं वो, और मसूड़ों के जो पास में जो एरिया होता है जिसे हम टिथरीज बोलते हैं, वहाँ पे टकराती है, जिससे ट और ड की उत्पत्ति होती है। बोलिए आप, ट, अब कहाँ पे टकरा रही है, टकरा रही रहा अपना जीभ का अगला भाग, ट आगे टकरा ना टिथरीज पे, ट ट बोल के देख ली है ना, ड में भी ऐसा होता है, ड ड, ठीक है। अब प्लोसिव, ये प्लोसिव है क्योंकि इसमें भी एकदम से हवा तेज गति से निकल रही है बाहर, निकल रही है कि नहीं, ट जल्दी से निकले हवा, तो जिसमें हवा जल्दी से निकले गति के साथ निकले वो क्या होता है, प्लोसिव होता है, तो ये सारे के सारे प्लोसिव है। इसमें के वाले देख लीजिए, क क, तो इसमें भी जल्दी से हवा निकले, क ग वाले दी, ग ग, अब इसको हम समझ लेते हैं यहीं पे। अब वेलर, वेलर क्या होता है, कंठ, जो कंठ से जिसकी ध्वनि निकले उसे हम क्या कहते हैं, वेलर वेलर कहते हैं। जीभ का जो पिछला भाग होता है वह सॉफ्ट पैलेट के, पैलेट जो अपना है तालू है उसके बीच में दूरी कम होती है, इसमें बोलिए आप, जो जीभ का पिछला भाग होता है और जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके बीच में दूरी कम होती है, तब ये ध्वनि निकलती है, क, अपने जो जीभ का पिछला भाग है ना वो सॉफ्ट पैलेट से टकराता है और जगह कम हो जाती है, तब ये ध्वनि निकलती है, आप बोल के देखिए, क, तो वेलर का मतलब कंठ होता है, तो कंठ से टकराता है, और इसके अलावा प्लोसिव इसके जो साउंड होता है वो गति से निकलता है, क ग, अच्छा जी,
ये हो गए अपने प्लोसी वाले हो गए। अब ब्लेबियल में ये एफ्रिकेट वाले साउंड देख लेते हैं। एफ्रिकेट वाले कौन से हैं ये देखिए, ये हो रहा ट और ज, ये सॉरी च और ज, च और ज। ये कौन सा है, ये है प्लेटो एल्वोलर, प्लेटो एल्वोलर है। अब प्लेटो एल्वोलर में क्या होता है, इसमें प्लेटो एल्वोलर में होता है जो अपने टिप है वो टीथ से टकराती है ही है, उसके अलावा तालू के पास तक जाती है, तालू तक भी जाती है, पीछे की ओर तालू की तरफ जाती है। तो टीथ रिज से तो टकराई रहती है, एल्वोलर में टीथ रिज से टकराती है अपनी टिप। लेकिन इस वाले में क्या होती है, पेलेटो एल्वोलर में, इसमें जी उससे तो टकराती है साथ में पीछे की ओर भी जाती है। बोलिए जैसे आप च ज च ज, पीछे गई ना ज च ज, तो ऐसा होता है इसमें। तो ये प्लेटो एल्वोलर है, साथ में एफ्रिकेट है, क्योंकि इसमें एफ्रिकेट का मतलब स्पर्श करते हुए संघर्ष करता है, जीभ का अगला भाग ऊपर तालू की तरफ जाता है, स्पर्श करते हुए जाता है, टिप प्लस टिथ रिज होती है इसमें। चलिए ये अपना हो गया, अब हम इधर आते हैं, इसमें और कुछ नहीं है, नेजल वाले ने देखते हैं। अब जिसमें से नाक में जो जो साउंड नाक में से आते हैं ना, उसको उन सिंबल्स को हम एम, ये एम है, एन है, यानी मै ने अंग, तो ये सारे इसमें नेजल में आते हैं, जो नाक में से साउंड निकलते हैं उसे नेजल बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेजल में एम जो साउंड है वो ब्लेबियल है। ब्लेबियल कैसे है, ब्लेबियल का मतलब क्या होता है कि मैं, ये जो ध्वनि है ब्लेबियल होठों से निकलती है, लेबियोडेंटल होठों से और दांतों से निकलती है, और डेंटल केवल दांतों से निकलती है। तो आपको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस यही समझ लेना है कि ये जो ब्लेबियल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक के, और लेने के बाद में आप इसको याद कर लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना वो ध्यान में रखनी है, ये वाली चीज़ें, ब्लेबियल क्या होता है, लेबियो डेंटल क्या होता है, एल्वोलर क्या होता है, पोस्ट एल्वोलर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया दिया था। ब्लेबियल होठों वाला होता है, जो होठों से आवाज़ निकलती है, लेबियो डेंटल होठों और दांतों से, डेंटल दांतों से, एल्वोलर अपने टिथ रिज से होती है, पोस्ट एल्वोलर टिथ के पीछे से होती है, प्लेटो एल्वोलर में क्या होता है, जो अपनी जो तालू है और टिथ रिज, इनका उपयोग किया जाता है। और प्लेटल, प्लेटल में किसका यूज किया जाता है, प्लेटल में केवल तालू का यूज किया जाता है, अपनी जीभ है वो तालू से टकराती है, और ये जो वेलर है उसमें कंठ का यूज होता है, डेंटल मैंने आपको बताया दिया, ग्लोटल में जो वायु है वो घर्षण करती हुई, ये जो यहाँ पे अपना जैसे हम क्या बोलते हैं, कंठ, कंठ जो ग्लोटल यार, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एरिया है ये है ग्लोटल, ठीक है, जिसे वोकल पोर्ट्स भी बोलते हैं, ये सॉरी ये वाला जो एरिया ना, ये जो दिखा रखा है ये बीच में से, ये लीजिए ये है ग्लोटल। ओके, तो आप खुद बना सकते हो आराम से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, और ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, फिर आपको ये चीज़ याद करनी होगी। अब ये वीडियो लंबा, तो अब ये फ्रिकेटिव क्या होता है, पहले लेटरल देख लेते हैं। लेटरल में केवल एक ही है, एल है, और एल लेटरल भी है और एल वोलर भी है। अब फ्रिकेटिव में देख लेते हैं, फ्रिकेटिव में एक तो फ की ध्वनि है जो कहाँ से निकलती है, लेबियो डेंटल होता है, लेबियो डेंटल यानी होठों से भी और दांतों से भी, लेबियो डेंटल। फ्रिकेटिव में क्या होता है, इसमें सकड़ा हो जाता है अपना मुंह, और फिर जो आवाज़ है उसके कारण थोड़ी संघर्ष होकर निकलती है, तो आवाज़ होती है ना, तो फ वह तो आवाज़ होती है ज़्यादा ना, ऐसा ही स, ये वाला देख लीजिए स और ज वाला, तो एल्वोलर तो है ही, टिथ रिज से टकराती है इसमें, स स टिथ रिज से, ये जो अपने जीभ है वो जो अपने मसूड़े उसके ऊपर वाले भाग से टकरा रही है, ज वाले में भी ऐसा ही हो रहा है और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, स में स आवाज़ ज़्यादा होती है, फ्रिकेटिव में संघर्ष ही होता है, यानी आवाज़ ज़्यादा होती है, यह आपको समझ लेना है। फिर स ज वही आवाज़ ज़्यादा, द आवाज़ ज़्यादा, यानी घर्षण की से आवाज़ आती है, गूंज ज़्यादा होती है, और द इसमें भी गूंज ज़्यादा हो रही है, इसमें भी गूंज,
ज़्यादा हो रही है, लेकिन इन सबको ऊपर से अलग अलग, अब सहज वाला एलवोलर है और ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है, ये है प्लेटो एलवोलर, इसमें टिथ रिज से टकरा के, टिथ रिज से तो टकराती है, साथ में जीभ अपनी तालू से भी टकराती है, और ये वाला एरिया है अपना, ये इसमें द और ये थ और द क्या है, इसमें डेन ये डेंटल यानी दांतों वाले हैं, इनमें दांतों का यूज किया जाता है, जैसे थ दांत से टच होती है अपनी जीभ, दांत से टच होती है, लेकिन ये फ्रिकेटिव भी है यानी संघर्ष भी होते हैं, आवाज़ भी इसमें ज़्यादा होती है क्या है, ग्लोटल है, ग्लोटल यानी आवाज़ वहाँ से, अभी मैंने बताया था ना वो जो नली सी होती है उसके ये कोर्ड्स हैं, तो यहाँ से इसकी आवाज़ आती है दोनों तरफ से संघर्ष होने के बाद में, यानी जो ग्लोटिस है अपने वो, और जो जो वोवल कोर्ड्स हैं वोवल कोर्ड्स के बीच में सिकुड़न होती है, अभी मैं आपको देखो समझा देता हूँ, ये जो ये तो ग्लोटिस हो गया और ये वाली जो है ना ये वोवल कोर्ड्स हो गए, तो इन दोनों के बीच में सिकुड़न हो जाती है, उससे जो ध्वनि निकलती है वो है एच की ध्वनि, है की ध्वनि, है बोल के देखिए आप, एक सिकुड़न सी महसूस होगी वहाँ पर। चलिए अब देखते हैं हम फ्रिकेटिव कंटूनेंट, तो इसमें आर की ध्वनि आती है, रे की ध्वनि आती है, और ये पोस्ट एलवोलर में मानी जाती है, तितरिस से थोड़ा सा पीछे रे की ध्वनि आती है, तो इसमें क्या होता है फ्रिकेटिव कंटूनेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें रे की ध्वनि लंबी होती है, रे लंबी हो रही, फिर सेमी वोवल में कौन कौन से आते हैं, डब्ल्यू और वाई किस में आते हैं, सेमी वोवल में आते हैं। अब डब्ल्यू को दो जगह लिखा जाता है, एक तो ब्लेबियल भी है, ये होठों के द्वारा भी बोला जाता है, साथ में ये वेलर भी है, कंठ से भी इसको बोला जाता है, दो उच्चारण होते हैं डब्ल्यू के। तो दोस्तों ये अपना यहाँ पे आपकी आज का वीडियो खत्म हो रहा है, मैंने आपको इनके उच्चारण स्थान का कौन कौन से है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप इसको छोटा करके, इसको मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, आपको याद करने क्या है, ये वाले याद कर लेने हैं, ये वाले और ये वाले याद कर लेने हैं, फिर आपको कोई जरूरी नहीं, फिर एक एक बार आप इसी तरीके से इसी सारणी पर आप देख लेना, और एक एक बार देख लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वैसे चाहे रट्टा मारते रहो कभी याद नहीं होगा, भूलते जाओगे, ठीक है, इनको याद कर लो, इनको याद कर लो, फिर एक एक बार इनको देख लो बस। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट अपना वीडियो वोवल्स के ऊपर होगा और वोवल्स के जो उच्चारण स्थल है उन पर होगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए अपनी स्ट्रीम, बाय फ्रेंड्स।